हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सिनिस्टर सिक्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। इसे ऑफिशियली कंफर्म करा है डेन ने, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर के बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करते हैं, यानी कि हैरी ऑसबॉर्न, जो कि सेकंड पार्ट तक कन्वर्ट हो गए थे ग्रीन गोब्लिन में। ये आप सबको पता होगा अच्छी तरीके से। तो फाइनली डेन ने कन्फर्म करा कि सोनी कंपनी ऑफिशियली काम कर रहा था सिनिस्टर सिक्स मूवी पर अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के बाद, बट ये प्लान कैंसिल हो गया सिर्फ स्पाइडरमैन के चक्कर में, क्योंकि सोनी का पूरा माइंड सेटअप था कि वो एक ऐसी मूवी बनाए एवेंजर्स के लेवल की जिसमें कि विलेंस हो और एक हीरो हो, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था। बट मार्वल ने एक मूवी बनाई स्पाइडरमैन होमकमिंग, उसके बाद सोनी ने फैसला करा कि मैं मूवी बनाऊंगा। फिर सोनी के फैंस और मार्वल के जो फैंस थे, उन्होंने फैसला करा कि नहीं, मार्वल ही उसके ऊपर ऑफिशियली काम करे। तो ये डील होने के बाद सिनिस्टर सिक्स का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट थे जो कि कैंसिल हो गए, और सिर्फ इसका रीजन था स्पाइडरमैन की डील जो कि सोनी और मार्वल के बीच में हुई। बट ऐसा नहीं है कि यही मूवी कैंसिल हुई, और ये मूवी बहुत बड़े लेवल की थी, अगर ये मूवी रिलीज होती तो मजा आ जाता। चलिए बात करते हैं 2017 की, जब एक प्रोजेक्ट सोनी ने अनाउंस करा जो कि सितंबर 2017 में अनाउंस हुआ था, जिसका नाम था नाइट वॉच। ये कैरेक्टर ऑफिशियली सोनी का है, इसके राइट्स भी सोनी के पास है, और इसके ऊपर सोनी ने फैसला करा कि वो इसके ऊपर मूवी बनाएंगे, और देन इसके डायरेक्टर भी कंफर्म हो चुके थे जो कि थे एडवर्ड, और एडवर्ड इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जताया, और देन इसकी स्क्रिप्ट भी कन्फर्म हो चुकी थी और राइट भी कर चुके थे, यानी लिख भी चुके थे, जिनका नाम था स्पाइक ली। उन्होंने खुद इस स्क्रिप्ट पर ऑफिशियली काम करा, और देन जब ये स्क्रिप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई तो रीराइट भी, यानी कि उसमें थोड़ा सा एडिट भी हेडरी ने करा था। जी हाँ, हेडरी ने इस पर ऑफिशियली खुद काम करा था। अगर आप उनके विकिपीडिया के प्रोजेक्ट में जाओगे तो अनटाइटल नाइट वॉच मूवी पढ़ी होगी, जिसका स्क्रीन प्ले वो करने वाले थे और स्क्रीन राइट करने वाले थे। और देन 2017 में एक और मूवी के ऊपर काम चल रहा था, जिसका नाम था केविन द हंटर, जो कि एक जंगली विलेन है स्पाइडरमैन का। जी हाँ, तो इसके ऊपर भी काम चलने वाला था। अब आ जाते हैं सीधे, बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में भी करीब 3 प्रोजेक्ट सोनी ने डिसाइड करे कि वो काम करेगा ऑफिशियली, जिसमें कि सबसे पहले मूवी आ रही थी ब्लैक कैट और सिल्वर, जिसमें कि ब्लैक कैट की स्टोरी पर पूरा फोकस करा जाना था, जो कि स्पाइडरमैन की एक साइड में लव इंटरेस्ट भी थी, और उसमें सिल्वर का एक अपीयरेंस भी होने वाला था। फिर उसी के बाद सोनी ने डिसाइड करा कि जब ब्लैक कैट के ऊपर मूवी बन रही है तो वो सिल्वर की भी ऑरिजिन स्टोरी दिखाए, तो एक सोलो मूवी सिल्वर की भी बनने वाली थी, पर ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल कर दी गए, और सोनी ने कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया कि वो अब क्या करे। बट आप सभी जानती हो कि उसके बाद एक और मूवी का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, जिसका नाम था मैडम वेब, जो कि टाइम ट्रेवलिंग पे विश्वास रखती हैं और स्पाइडरमैन की उसके ऑल्टरनेट वर्जन में जाने में मदद करती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे लेवल की मूवी थी, और इसकी भी वो ऑरिजिन दिखाने वाली थी, पर इसमें फुली टाइम ट्रेवलिंग होने वाली थी। पर ये सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हुए सिर्फ स्पाइडरमैन की डील के चक्कर में, क्योंकि मार्वल के फैंस चाहते थे कि काम ऑफिशियली मार्वल करे, ना कि सोनी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता। अब बात करते हैं 2020 की, जो कि एकदम ऑफिशियली अभी कंफर्म है और आप इसके ऊपर काम चल रहा है। अब सारे प्रोजेक्ट को भूल जाओ। तो फाइनली रॉबर्ट, जो कि एक स्क्रीन प्ले राइटर हैं और राइटर हैं, उन्होंने ऑफिशियली सोनी के अंडर 2 प्रोजेक्ट पे अनटाइटल पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि स्पिन ऑफ होंगी, यानी कि वेनम, वेनम 2 और मॉर्बियस के बाद वो इन पर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अभी आप स्पाइडरमैन 3 को स्किप करना, क्योंकि वो मार्वल के अंडर है, जो कि 16 जुलाई 2021 को रिलीज़ हो रही है। शायद ये भी डिले हो सकती है, कोई ऑफिशियली डेट नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आप केविन द हंटर और नाइट वॉच, उसके बाद सिल्वर और ब्लैक कैट और मैडम वेब को भूल जाओ। तो मेरे हिसाब से 2 प्रोजेक्ट बढ़ते हैं, जो कि ऑफिशियली विकिपीडिया पे भी दे रखे हैं, आप जाके चेक करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो हो सकती है स्पाइडर वर्स 2, और देन उसके बाद हो सकती है मेरे हिसाब से पर्सनली स्पाइडर वूमेन। जी हाँ, ये दोनों भी दे रखी हैं विकिपीडिया में, आप जाके चेक करो। तो शायद रॉबर्ट इसके ऊपर ऑफिशियली काम कर रहे हैं, और आने वाला ये प्रोजेक्ट रिलीज हो सकता है 2021 में और 2022 में। पर अभी कोरोना वायरस चल रहा है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो रहे हैं, उनकी शूटिंग नहीं हो पा रही है टाइम पे, तो रिलीज़ क्या करेंगे टाइम पे। तो गाइस, ये थी वो फुल डिटेल, फुल न्यूज़ कि सोनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाले थे, पर मुझे धोखे पर्सनली सिनिस्टर सिक्स का, और मैं चाहता हूँ कि सोनी आने वाले टाइम में इस पर काम करे। तो गाइस, मैं एक पोल कर रहा हूँ ऊपर आई बटन पर, आप चाहते हो कि सिनिस्टर सिक्स मूवी बने तो यस करना, और नहीं चाहते हो तो नो करना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मैं इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पे थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।